क्रिएट एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम क्रिएट कैसे करती हैं डिस्कस अबाउट फ्लो डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्टो चार्ट ड्रा फ्लो चार्टिफाइंड लूप मैकेजम्स एंड लूप सो दिज आर द ऑब्जेक्टिव आर डिस्कस इन दिस चैप्टर सो ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे यू आल नो दैट यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क आप जानते हैं कि कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे वो टास्क परफॉर्म करता है सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम्स इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम क्या कहते हैं प्रोग्राम बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर इट प्रोग्राम को राइट करने से पहले ज़रूरी है कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को क्रिएट किया जाए सो व्हाट इज़ एलगोदम एलगोर्दम क्या है एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम एल्गोरिथम को हम ऐसे डिफाइन करती हैं कि वो क्या है इंस्ट्रक्शंस uh, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स के सीक्वेंस को क्या है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किस सीक्वेंस से हम उन इंस्ट्रक्शंस को या स्टेप्स इंस्ट्रक्शन uh, uh, और स्टेप्स का सीक्वेंस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है कि हमने किस सीक्वेंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम क्या है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स अब हम क्या लिखेंगे कि हमने राइट करना है एल्गोरिथम टू नंबर्स को ऐड करने का क्या करना है एल्गोदम राइट करना है टू नंबर्स को ऐड करने का सो फर्स्ट स्टार्ट स्टार्ट लेंगे इनपुट द टू नंबर्स से ए एंड बी टू नंबर्स की इनपुट लेंगे ए एंड बी ऐड द टू नंबर्स टू नंबर्स को ऐड करेंगे एंड स्टोर द रिज़ल्ट इन सी और रिजल्ट को स्टोर करेंगे किस में सी वेरिएबल सी इज़ इक्स टू ए प्लस बी यानी कि टू नंबर्स टू नंबर्स के हमने वेरिएबल लिए हैं और उसको ऐड किया करके कर रिजल्ट कि जो है वो हमने किस में स्टोर करवाया सी में फोर प्रिंट सी सी को प्रिंट करेंगे एंड देन स्टॉप नेक्स्ट फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट क्या है क्या है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट इज डिफाइंड एज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलगोरिदम फ्लो चार्ट को हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की क्या है किसी भी एल्गोरिथम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट क्या है फ्लो चार्ट कहलाता है इट शोज द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग सम सिंबल्स ये शो करते हैं स्टेप्स को कि आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सम सिंबल्स को यूज करके ठीक है हम डायग्राम्स को डायग्राम के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दीज सिंबल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एरोज ये सिम्बल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एरोज के थ्रू नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट की क्या है करैक्टरस्टिक्स क्या है फ्लो चार्ट की करैक्टरस्टिक्स एवरी फ्लो चार्ट हैज़ सम यूनिक करैक्टरस्टिक्स विच मेक दैम एक्यूरेट हर फ्लो चार्ट की कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसको एक्यूरेट बनाती हैं सम ऑफ देम आर एस फॉलोज उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं नंबर वन एवरी फ्लो चार्ट हैज अ स्टार्ट एंड स्टॉप सिम्बल हर फ्लो चार्ट के क्या है स्टार्ट और स्टॉप सिम्बल है ठीक है नंबर टू देर इज़ ओनली वन फ्लो लाइन दैट कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल इसमें सिर्फ एक फ्लो लाइन है जो कि प्रोसेस सिंबल से आती है द जर्नल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्राम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट किसी भी फ्लो चार्ट की जो जनरल डायरेक्शन वो क्या है वो क्या है टॉप टू बॉटम यानी कि टॉप से स्टार्ट होगा बॉटम पे जाएगा या फिर लेफ्ट टू राइट नंबर फोर ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप सिम्बल्स एक फ्लो लाइन को हम यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप सिम्बल को कनेक्ट करने के लिए अ डिसीजन सिम्बल हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट डिसीजन सिम्बल में एक एंट्री पॉइंट है बट टू एग्जिट पॉइंट और उसके क्या हैं दो एग्जिट पॉइंट हैं वन एग्जिट पॉइंट शोज द ट्रू कंडीशन एंड द अदर एग्जिट पॉइंट शोज द फॉल्स कंडीशन एट एग्जिट एग्जिट पॉइंट जो वो शो करता है ट्रू कंडीशन को और दूसरा एग्जिट पॉइंट शो करता है फॉल्स कंडीशन को ऐसे ये दी एन सिंबल इसमें एंट्री पॉइंट है ये और ये दो इसके क्या है एग्जिट पॉइंट है टर्न योर पेज नेक्स्ट है सिम्बल्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट के सिंबल्स फ्लो चार्ट के सिम्बल्स क्या हैं सिंबल नेम और यूज सबसे पहले राउंडेड रिक्टल राउंडिंग रिक्टेंगल हम किसके लिए यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप सिंबल इट शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट ये शो करता है स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए नंबर टू पैरालोग्राम पैराले क्या इनपुट आउटपुट सिंबल है इट इज़ यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा इसे हम यूज़ करते हैं रीड और प्रिंट डाटा को प्रिंट करने के लिए नंबर थ्री रिक्टेंगल रिक्टेंगल क्या है प्रोसेसिंग है इट शोज़ द कमांड फॉर कैलकुलेशन ये हम ये शो करते हैं कमांड्स को कैलकुलेशन करने के लिए नंबर फोर डायमंड डायमंड क्या है डिसीजन सिंबल्स है इट इज़ यूज टू टेक डिसीजन एंड फॉलो एग्जैक्टली वन ऑफ टू फ्लो लाइन इसे हम यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए और फॉलो एग्जैक्टली वन ऑफ टू फ्लो लाइन और इसमें क्या है कि वन लाइन एंट्री पॉइंट है और टू एग्जिट पॉइंट तो ये वन ऑफ टू फ्लो लाइन्स हैं फाइव एरोज क्या है हमारे पास फ्लो लाइन्स इट शोज़ द कनेक्शन बिटवीन सिम्बल्स ऑफ फ्लो चार्ट ये शो करता है फ्लो चार्ट में सिम्बल्स के दरमियान कनेक्शन को फॉर एग्ज़ाम्पल अब फ्लो चार्ट टू एड टू नंबर एक फ़्लो चार्ट है जिसमें हमने टू नंबर्स को ऐड करना है ये हमारे पास फ्लो चार्ट है जिसमें हमने टू नंबर्स को ऐड करना है सबसे सब पहले स्टार्ट फिर ये हमारे पास क्या है इनपुट हमने टू नंबर्स लेनी है तो इसलिए हमने पैरलोग्राम सिंबल लिया है ये है हमारे पास रिक्टेंगल सी इज़ इक्व टू ए प्लस बी ठीक है ए प्लस बी ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल है इसलिए हमने इसमें रेक्टेंगल लिया है और ये हमारे पास प्रिंट सी ये हमारा कौन सा है पैरेललोग्राम है और लास्ट में हमारा स्टॉप एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन ए एंड बी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी के दरमियान ग्रेटर नंबर को फाइंड करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हम बनाएंगे सबसे पहले एल्गोरिदम क्या है कि आपने ग्रेटर नंबर फ़ाइंड करना है दो नंबर्स में से स्टार्ट इनपुट द टू नंबर्स दो नंबर्स ए एंड बी नंबर चेक द नंबर्स नंबर्स को चेक करें फिर फोर प्रिंट करें इज़ ग्रेटर इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ मोर देन बी अदरवाइज प्रिंट बी इज़ ग्रेटर क्या है कि ए इज़ ग्रेटर ए बड़ा होगा अगर वैल्यू जो है वो ए ज़्यादा है बी से ठीक है और अदरवाइज़ क्या होगा बी बड़ा होगा ठीक है और लास्ट में हमारे पास क्या है स्टॉप ठीक है ए इज़ ग्रेटर है अगर वैल्यू ए जो है वो ज़्यादा है बी से अदरवाइज़ प्रिंट जो है वो बी इज़ ग्रेटर बी बड़ा होगा इसका जो फ्लो चार्ट है वो क्या है स्टार्ट लेंगे हमने इनपुट लिया ए बी ठीक है पैरलोग्राम में फिर हमने डिसीजन लेना है इसलिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया डायमंड ए ग्रेटर देन बी अगर तो ये यस yes है ठीक है तो क्या होगा प्रिंट ए इज़ ग्रेटर और ये हमारा आउटपुट है इसलिए हमने इसको पैरलोग्राम में आ, राइट किया है और अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी नो no, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है तो हम लिखेंगे प्रिंट बी इज ग्रेटर यानी कि बी जो है वो बड़ा है और ये हमने किस में लिखा है आउटपुट सिंबल में किस में लिखा है आउटपुट सिंबल में पैरलोग्राम में और फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे स्टॉप इसके बाद ये हमारा स्टॉप हो जाएगा अगर ये हमारी स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी और अगर ये लिखेंगे तो उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा कूल टेप एंड must मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट इन time. एल्गोदम जो है वो हम मस्ट ऑलवेज इन टर्मिनेट इन टाइम हमेशा टर्मिनेट करते हैं हम कुछ टाइम में उसको टर्मिनेट करते हैं एलगोर्दम्स को एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स एलगोरिदम राइट करें और फ्लो चार्ट ड्रा करें टू फाइंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स की एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है एल्गोरिदम अब थ्री नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या एलगोरिदम फाइंड करेंगे एल्गोिदम क्या है सबसे पहले स्टार्ट इनपुट द थ्री नंबर्स थ्री नंबर्स के इनपुट लें ए बी एंड सी ऐट द नंबर्स एंड डिवाइड द सम बाई थ्री नंबर्स को ऐड करें और उसका जो सम है उसको थ्री पे डिवाइड करें यानी कि आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है फिर आपने थ्री नंबर्स की इनपुट लेनी है ए बी एंड सी फिर आपने नंबर्स को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है थ्री पे फिर प्रिंट करना है रिजल्ट को और देन स्टॉप ये इसका एल्गोरिदम है और इसके फ्लो चार्ट क्या है सबसे पहले स्टार्ट का सिम्बल लिया फिर हमने लिया इनपुट आउट पैरलोग्राम इनपुट ए बी एंड सी ठीक है फिर आपने क्या लिया प्रोसेसिंग सिंबल एस इज़ इक्व टू ए प्लस बी इसमें हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया एस इज इक्व टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है यानी कि आपने तीनों को ऐड किया और थ्री से डिवाइड किया और उसको स्टोर करवाया एस में फिर आपने आउटपुट में लिखा है प्रिंट एस एस को आप क्या करें प्रिंट करेंगे आउटपुट है और देन स्टॉप देन हमारे पास क्या हो गया स्टॉप हो गया

सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स के अलगा क्या कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम इज अ सिंबल ऑफ डैश बॉक्स ये जो है वो किस बॉक्स का सिंबल है डिसीजन बॉक्स का अच्छा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 200 पेंसिल्स कॉस्ट कितनी है 10 10 यूरो या 10 यूरो ड्रा अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल आप फ्लो चार्ट ड्रा करें एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करने के लिए अच्छा क्या है कि टू हंड्रेड पेंसिल्स की टू हंड्रेड पेंसिल की कॉस्ट जो है वो टेन है और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी इसके लिए हम फ्लो फ्लो चार्ट कौन सा ड्रा करेंगे सबसे पहले हमारे पास किए स्टार्टी ये क्या है हमारे पास पैरालोग्राम uh, इसमें इनपुट आउटपुट है नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल टू हंड्रेड ये हमारे पास क्या है ये हमारी इनपुट है इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे पैरलोग्राम में फिर ये भी पैरालोग्राम में हम लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी है टेन यानी कि टू हंड्रेड पेंसिल की टोटल कॉस्ट कितनी है टेन अब एक पेंसिल की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेंसिल ठीक है ये हमारी क्या है प्रोसेसिंग यानी कि हमने एक पेंसिल की कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल अब पे हमारे पास लास्ट क्या है प्रिंट कॉस्ट कॉस्ट को आप प्रिंट करें एंड देन स्टॉप ओके नेक्स्ट टॉपिक इज लूप नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है लूप लूप क्या है सम टाइम अ टास्क हैज़ टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन समाइम हमें एक टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ता है द लूप इज अ मकैनिज्म इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म मैनी टाइम्स लूप एक ऐसा मकैनिज़्म है जिसमें हम एक इन विच अ टास्क जिसमें एक टास्क को आप मैनी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं टू कीप अ चेक ऑफ हाउ मैनी टाइम्स अ लूप हैज़ रिपीटेड इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कितने टाइम हमने एक लूप को रिपीट किया है अ काउंटर इज़ सेटअप हम एक काउंटर सेटअप करते हैं अ काउंटर इज़ अ वेरिएबल काउंटर एक वेरिएबल है विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम अ प्रोसेस इज़ रिपीटेड काउंटर एक वेरिएबल है जो कि काउंट करता है कि एक प्रोसेस को आप कितने नंबर ऑफ़ टाइम जो है वो रिपीट कर सकती हैं क्या कर सकते हैं काउंटर एक वेरिएबल है जो कि काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम आप एक प्रोसेस को रिपीट आपने किया है फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इन एग्जाम्पल को कंसिडर करें नाउ टर्न योर पेज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द कंप्यूटर टेन टाइम्स हमने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है जिसमें आपने कंप्यूटर को प्रिंट करवाना है टेन टाइम्स ठीक है यानी कि आपने एक ही स्टेटमेंट को टेन टाइम्स आपने प्रिंट करवाना है so, so, स्टार्ट देन ये हमारे पास क्या है इनपुट आउटपुट सिंबल है ए इज़ इक्वल टू कम्प्यूटर ये हमारा क्या है इनपुट आउटपुट सिंबल पैरालोग्राम में हम लिखेंगे इसको हमने एक वेरिएबल लिया है ए जिसमें हमने क्या स्टोर करवाया कंप्यूटर स्टेटमेंट क्योंकि हमने किसको प्रिंट करवाना है कंप्यूटर को फिर है काउंट काउंट इज इक्वल्स टू वन काउंट हमने वेरिएबल लिया है वो अभी उसकी वैल्यू वन है वन क्यों है क्योंकि अभी हमारा हम फर्स्ट टाइम जो है वो अपना प्रोसे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बाद क्या प्रिंट ए अब हमने किसको प्रिंट करवाना है ए को यानी कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू है कंप्यूटर वो क्या हो जाएगी प्रिंट उसके बाद क्या है हमारे पास डिसीजन हमने डिसीजन क्या लेना है इस काउंट लेस देन इज इक्वल्स टू टेन कि हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि काउंट जो हमारा काउंट के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 10 हो यानी कि 10 के बराबर हो और टेन से लेस हो टेन से जैसे ही एक्सीड करेगी इलेवन पर जाएगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा अच्छा इस काउंट लेस देन इज इक्वल टू टेन जब तक टेन जो है टेन के बराबर रहेगी या टेन से लेस रहेगी ट्रू है तो हम इसको लिखेंगे काउंट इज इक्व टू काउंट प्लस वन यानी कि काउंट इज इक्व टू काउंट प्लस वन का मतलब क्या है कि काउंट काउंट के काउंट प्लस वन का मतलब है ये इंक्रीमेंट है यानी कि एक दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वन फिर दूसरी दफ़ा वन पे में वन ऐड होता जाएगा टू फिर तीसरी दफ़ा उसमें ऐड होता जाएगा वन थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स इस तरह टेन तक ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ पर प्रोग्राम वैल्यू जो है वो हमारी काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस वन इंक्रीज़ होगी और उसके बाद हमारी वैल्यू क्या है क्या है यहाँ पर काउंट uh, होने के बाद ये कहाँ जाएगा प्रिंट ए में यानी कि हर टाइम जब जब हमारा काउंट एक्सीड करता जाएगा तो प्रिंट ए में जाके ये प्रिंट करवाएगा ठीक है ये कैसे वर्क करेगा सबसे पहले स्टार्ट हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्टोर करवाया कंप्यूटर काउंट इज इक्व टू वन काउंट एक वेरिएबल है जो कि अभी इनिशियली उसकी वैल्यू वन है प्रिंट ए उसने क्या प्रिंट करवाया कंप्यूटर फिर यहाँ कंडीशन आई काउंट के अंदर क्या वैल्यू थी वन वन लेस देन इज इक्व टू टेन कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जाएगा ट्रू में ठीक है और यहाँ पर क्या होगा काउंट क्या होगा इंक्रीमेंट लगेगा काउंट के अंदर क्या वैल्यू थी वन वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू टू जाएगा ये यह ऊपर यहाँ पर और प्रिंट में, ए में वो क्या करवाएगा प्रिंट करवाएगा कंप्यूटर तो कंप्यूटर दूसरी दफ़ा प्रिंट होगा फिर वो नीचे आएगा फिर अब काउंट में वैल्यू क्या है टू फिर कंडीशन चेक होगी ट्रू होगी तो यहां पर काउंट में इंक्रीमेंट लगेगा फिर प्रिंट करेगा इसी तरह ये टेन टाइम्स हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जैसे ही टेन से एक्सीड करेगी तो फॉल्स होगी और देन स्टॉप इसी तरह लूप में नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है ड्रा अ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट को ड्रा करें टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स ए बी एंड सी थ्री नंबर्स ए बी एंड सी में से थ्री नंबर्स लार्जेस्ट थ्री नंबर्स फाइंड करने के लिए ठीक है आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर थ्री नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप स्टार्ट पे जाएं पैरेललोग्राम पे इनपुट ए बी एंड सी इज़ ए ग्रेटर देन बी आपने चेक करना है कि ए ग्रेटर देन बी ये कंडीशन है इसलिए हमने इसको डायमंड में लगाया यस yes है तो फिर आप चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन सी कि ए क्या सी से भी बड़ा है अगर तो ये यस yes है तो आप क्या करेंगे इसको प्रिंट ए करेंगे ठीक है कि यानी कि ए वैल्यू जो है प्रिंट होगी अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी कि ए जो है वो सी से बड़ा नहीं है नो no है तो प्रिंट क्या ज़ाहिर सी बात है सी बड़ा होगा तो प्रिंट सी में जाएगा इसी तरह यहां पर ए ग्रेटर देन बी अगर हमारे पास नो no है यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि बी ग्रेटर देन सी बी सी से बड़ा है या नहीं अगर तो ये